जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई और विकास के काम होने रहे हैं, राज्य में लोग परेशान हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जनता इतनी पीड़ित और त्रस्त है, जो किसी भी क्षेत्र में जाओ, पर बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी यहाँ से दो तीन लोग गए, वो बेरोजगारी से पीड़ित हैं। साहब कहीं भी फ़ोन कर दीजिए, अगर हमें नौकरी मिल जाएगी तो रोटी खा पाएंगे। तो जब जनता इतनी त्रस्त होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए या प्रदेश के अध्यक्ष आए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कांग्रेस इन्हीं को देख रही है कि उनकी पीड़ा के निवारण के लिए हम अपने घोषणा पत्र में कैसे उन मुद्दों को उठाएं जिससे लोगों को ये लगे जब कांग्रेस आएगी तो हमें राहत मिलेगी। तो कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी है, तमाम दूसरी तरह के मुद्दे हैं, जनता त्रस्त है और बीजेपी में नेता दौरे कर रहे हैं। हालांकि इससे अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि कांग्रेस लगातार काम कर रही है और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को रखेगी।